गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पर शपथ लेने जा रही हैं। इसके दो दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो आज दोपहर 12:30 शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अमित शाह के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एक रोज पहले यानी 12 सितंबर को गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी गई थी। नाम का ऐलान होने के बाद भूपेंद्र पटेल ने शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा गठलोडिया से विधायक हैं। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल साथे बात करी छू, दादा भगवान में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही, अभी प्रायोरिटी मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ये थे भूपेंद्र पटेल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी, गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज इंडिया अहमदाबाद। मुख्यमंत्री पद के नाम के ऐलान के बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और फिर गांधीनगर में त्रिमंदिर में दादा भगवान के दर्शन किए। उसके बाद भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे, वहां आरती में हिस्सा लिया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए गांधीनगर के त्रिमंदिर की तस्वीर जहाँ पर भूपेंद्र पटेल पहुंचे, माथा टेका, जगन्नाथ मंदिर भी पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। आज दोपहर 2 के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके पिता जब घर से निकले थे तब अंदाजा नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल के बेटे हमारे साथ हैं, आपके पिता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चयन है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा और अभी बहुत आनंद हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिया है और अपने प्रधानमंत्री जी है जो उन्होंने विश्वास दिया है, तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे विकास के कार्यों में। आज सुबह जब पापा घर से निकले क्या लगा था कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था, और नाम जब जाहिर हुआ था तब भी मैं ऐसा ही था कि नहीं, मेरे फादर का नाम नहीं आने वाला है, तो फिर आ गया है तो हमें भी आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। ठीक है, शपथ कब ले रहे हैं मुख्यमंत्री? वो मुझे पता नहीं है, वहाँ से अंदर से जो आएगा वहीं से। बिल्कुल, तो देखिए उनके परिवार के सदस्य हैं जो जाहिर तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पिता जब यहाँ से निकले, घर से निकले कामलम पार्टी दफ्तर के लिए, और वहाँ जाकर उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, ये भी उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन यही होता है कि एक आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता बीजेपी का कभी कभार बीजेपी में मुख्यमंत्री भी बन जाता है। भूपेंद्र पटेल के घर पर खुशियां मनाई जा रही है। दरअसल भूपेंद्र पटेल को भी ये अंदाजा नहीं था कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। वो बैठक में पीछे बैठे हुए थे तभी उनके नाम का ऐलान हुआ। अब उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। परिवार का कहना है कि ये दिन दिवाली से कम नहीं। सब लोग बहुत खुश है, हम सब फैमिली वाले और अड़ोस पड़ोस जो सोसाइटी वाले हैं, सब लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। मैम, आपने कहा कि दिवाली जैसा माहौल है, तो क्या होगा दिवाली में? पटाखे लगा दिए तो एक बार तो लगा ही दिए, चला दिए। बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। कौन कौन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सब आसपास के और आपके सारे रिलेटिव सब पहुँच गए? सब हमारे बने ही है, बहन है, सब रिलेटिव भी आ गए, सब घर के नज़दीक वाले भी आ गए सब।
क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि आज इनका इनके नाम का ऐलान होगा कि वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक सरप्राइज दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने।